नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। ब्रिटेन से शुरू हुआ कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की अब भारत में भी एंट्री हो चुकी है। देश में अब तक 2 दर्जन के करीब ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण पाए गए हैं। नए स्ट्रेन को 70% ज्यादा संक्रमणकारी बताया जा रहा है। इस स्ट्रेन ने दुनिया भर में महामारी को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। वहीं लोग भी बचाव और एहतियात के बारे में जानना चाह रहे हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर अब एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि प्री एपिडेमियोलॉजिकल डाटा से पता चलता है कि कोरोना वायरस ने कई जगहों पर अपना रूप बदला है। ब्रिटेन के नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये ज्यादा संक्रमणकारी है और तेजी से फैलता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अध्ययन से ये पता चलता है कि ब्रिटेन के स्ट्रेन ज्यादा इन्फेक्शस होने की वजह से ये चिंता की बड़ी बात है और सरकार ने यूके से आने वाली फ्लाइट्स को बंद करने समेत कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नया स्ट्रेन भारत में आया है या नहीं, ये पता करने के लिए कंसोर्टियम की स्थापना की गई है। एम्स के डायरेक्टर ने आगे कहा कि अगर ब्रिटेन के स्ट्रेन के चलते कोविड-19 के मामलों में इजाफा होता है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर भारत बहुत अच्छी स्थिति में है और रोजाना के मामलों में काफी कमी आई है। हमारी रिकवरी दर काफी ऊंची है और मृत्यु दर काफी कम। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि दिसंबर में भारत में रिपोर्ट होने से पहले यूके का नया स्ट्रेन यहाँ पर था या नहीं, ये कहना मुश्किल है। ऐसा संभव है कि ब्रिटेन का नया स्ट्रेन भारत में नवंबर या फिर दिसंबर की शुरुआत में ही आ गया हो। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ऐसी संभावना है कि ये हो सकता है, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि सितंबर के अंत में इस स्ट्रेन के बारे में सबसे पहले पता चला था। अगर आप इस स्ट्रेन के बारे में देखें तो ये तेजी के साथ फैलता है, लेकिन भारत के मामले में पिछले 4 से 6 हफ्ते के दौरान कोरोना के केसेस में कोई इजाफा नहीं हुआ है। अगर ब्रिटेन का कोरोना स्ट्रेन भारत में आ भी चुका था तो ये हमारे कोरोना के मामले और हॉस्पिटलाइजेशन पर असर डाल सकता है। उन्होंने कहा कि हमें अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत है ताकि इसे और फैलने से रोका जा सके। वहीं कोरोना वैक्सीन पर बात करते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ये बहुत अच्छी खबर है कि एस्ट्राजेनेका को ब्रिटेन के नियामक अधिकारियों की तरफ से अपने टीके के लिए मंजूरी मिल गई है। उनके पास मजबूत आंकड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत में वही टीका देश के सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से विकसित किया जा रहा है। ये न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के कई हिस्सों के लिए एक बड़ा कदम है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।